रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथगंज में चल रहे सट्टे को बंद करवाने को लेकर जनपद अध्यक्ष गगेव विकास तिवारी के नेतृत्व में डीआईजी को ज्ञापन सौंपा गया। डीआईजी को ज्ञापन देते हुए जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने मीडिया को बताया कि सुशील त्रिपाठी पिता लाल मणि त्रिपाठी जो रघुनाथगंज में रहता है और सट्टे का कारोबार कर रहा है, जिसकी शिकायत कई बार थाने में देने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। बताया गया है कि काफी दिनों से यहां पर सट्टे का कारोबार हो रहा है, जिसकी शिकायत लेकर जनपद अध्यक्ष गगेव विकास तिवारी ने ज्ञापन सौंपा है। एक्चुअल आज हम सभी जनप्रतिनिधि मिले हैं। एक्चुअल हमारे मनगवा क्षेत्र में एक रघुनाथगंज एरिया है, जहाँ पे सट्टे का व्यापार काफ़ी तेज़ी से फल फूल रहा है। उस संबंध में माननीय उप महानिरीक्षक से हम सब ने चर्चा की है कि इसमें निरंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों में अपराध बढ़ रहा है और लूटपाट बढ़ रही है। इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई है। और कौन सी समस्याएं? अभी तो फिलहाल अपन ने पुलिस को ये समझा और पुलिस की जैसे कई गाँवों में चोरी, मोटर चोरी हो रहे हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। एक कदैला गाँव है, वहाँ 24 मोटर एक दिन में चोरी हो गए। ये सब विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत गांव आता है, ये सारे मुद्दों को लेकर हमने सब ने चर्चा की। कौन खिलवा रहा सकता है? सुशील त्रिपाठी। कोई सुशील त्रिपाठी हैं और कई अपराधी तत्व के लोग खिलवा रहे हैं। नहीं, थाने में पहले सूचना दी गई थी, पर हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिले हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को थाने में निर्देशित करना है, कोई रिपोर्ट करने का तो विषय है नहीं, ये तो नियमता कार्रवाई की बात है, तो उसमें पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करे।